नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूट्रेला फूड टक। मैं हूँ सबा काजी और आज बनाने जा रही हूँ न्यूट्रेला सोया मिक्स वेज सैलेड। ये वही रेगुलर सैलेड है विद देसी इंग्रेडिएंट्स। यूजुअली जब हम सैलेड के बारे में सोचते हैं तो ब्रोकली दिमाग में आता है, ऑलिव्स दिमाग में आता है। आज हम सैलेड बनाने जा रहे हैं राजमा, दाल और आलू के साथ, बट विद द एग्जॉटिक वेजिटेबल्स टू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बॉइल्ड आलू। आलू तो हम रोज ही खाते हैं लेकिन आज इसे सैलेड के तौर पे भी खाएंगे। साथ ही साथ राजमा, जी हाँ, राजमा चावल नहीं बल्कि बॉइल्ड राजमा, मूंग दाल जिसे हमने अच्छे से बॉईल किया था, साथ ही साथ ग्रीन चिलीज, सोया चंक्स जो प्री कुक्ड है, बहुत ही हेल्दी है, रिच इन फाइबर, रिच इन प्रोटीन और फैट फ्री, एंड द रेगुलर एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली और रेड एंड येलो पेपर, और कुछ बेबी कॉर्न्स भी हमने लिए हैं इसमें। मेरे पास कुछ लेटस के पत्ते हैं तो वो भी मैं इसमें शामिल करूंगी। ठीक है, अब बारी आती है कि हम इसमें स्पाइसेस ऐड करें। तो सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हम देसी मिक्स वेज सैलेड बना रहे हैं तो चाट मसाला कैन नॉट बी एक्सक्यूज। नींबू जूस, धनिया पत्ता, देसी सैलेड बना रहे धनिया पत्ते का इस्तेमाल कैसे ना करें। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इकट्ठे मिक्स करेंगे। और अब इसमें जाएगा सबसे आखिरी इंग्रेडिएंट जो है क्रश्ड पेपर, खूब सारा। चलिए करते हैं इस सोया मिक्स वेज सैलेड की प्लेटिंग। न्यूट्रेला सोया मिक्स वेज सैलेड हो गया है तैयार। जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे क्योंकि बहुत ही यम्मी बना है। न्यूट्रेला फूड तक यू ही देखते रहिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।